दोस्तों, IRCTC ने 2021 पे न्यू ईयर पे अपनी एक नई ऐप लॉन्च कर दी है। पूरा का पूरा इंटरफेस एक तरीके से नया बन गया है जो पुरानी ऐप थी। इसमें अब एक्सपीरियंस टिकट बुक कराने का बहुत ही आसान हो गया है। ये ऐप बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अब पहले से के कंपेरेटिवली सिंपल कर दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे आगे डैशबोर्ड दिख रहा है। मैं आपको इस ऐप के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ डैशबोर्ड में आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। जर्नी प्लान करने के लिए आपको फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन डालना है और जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद अपनी डेट सिलेक्ट करके ट्रेन सर्च कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये ऐप कितनी फास्ट हो गई है, कितने फटाफट से रिजल्ट आ रहे हैं। आप यहाँ पर ट्रेन को अरेंज कर सकते हो कि आपको सबसे पहले डिपार्चर टाइम के बेस पे सॉर्ट करना है, अराइवल टाइम के बेस पे सॉर्ट करना है या अवेलेबिलिटी के बेस पे सॉर्ट करना है। आप यहाँ पर कोई भी ट्रेन सिलेक्ट करके पैसेंजर की डिटेल्स डाल के आप डालने के बाद उसको बुकिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो ये एक तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से अब आप कोई भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और चलिए मैं पीछे दिखाता हूँ। तो ये तो बात रही, आपको कोई भी जर्नी प्लान करनी है तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जर्नी के अलावा अगर आपको अपनी कोई एग्जिस्टिंग बुकिंग देखनी है तो आप यहाँ माई बुकिंग्स पर जाके अपनी बुकिंग्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई अपनी जो आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई हुई है उसका PNR स्टेटस चेक करना है, अगर वो वेट लिस्टिंग में है या किसी और स्टेटस में है, उसका स्टेटस चेंज हो गया, तो आप PNR इंक्वायरी कर सकते हैं। आप कोई भी टिकट कैंसिल करा सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ही आसान हो गई है ऐप। अभी आपको जस्ट वन क्लिक करना है, चाहे आपको अपनी जर्नी प्लान करनी है, चाहे बुकिंग चेक करनी है, चाहे PNR का स्टेटस चेक करना है या कोई भी एग्जिस्टिंग टिकट बुक करानी है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और डैशबोर्ड के साथ साथ यहाँ आपको अपकमिंग जर्नीज भी दिख जाएंगी अगर आपने ऑलरेडी कोई बुकिंग कराई होगी। मैंने कोई अभी बुकिंग नहीं कराई तो मुझे कुछ अपकमिंग जर्नी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और लास्ट ट्रांजेक्शन में आपको अपनी प्रीवियस ट्रांजेक्शन की भी हिस्ट्री दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ऐप कितनी फास्ट हो गई है, कितनी सिंपल हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उन लोगों के लिए जो ट्रेन में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, जिनको प्रोसेस टिकट बुक कराने का बहुत मुश्किल लगता था पहले, अब वो बहुत ही आसान हो गया है उन लोगों के लिए। तो ये बात थी IRCTC ऐप के नए इंटरफेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस इस ऐप का ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए कि आपको ये नया एक्सपीरियंस कैसा लगा इस ऐप का। थैंक यू सो मच।